सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नवाबों का शहर लखनऊ का अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। तहजीब और अदब से लिप्त इस शहर की हर चीज में राजसी और नवाबी की झलक देखने को मिलेगी। इसी लखनऊ शहर ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक बड़े सितारे दिए, जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में अपने अभिनय के माध्यम से एकदम अलग तरीके से पेश करने का काम किया। इसी लखनऊ शहर से एक और अभिनेत्री का फिल्मी करियर शुरू होता है और वो है अभिनेत्री बीना राय, जिन्होंने बॉलीवुड में अपने अभिनय के दम पर एक नया इतिहास रचने का काम किया। लेकिन इनकी कहानी लखनऊ ही नहीं बल्कि सबसे पहले पाकिस्तान के लाहौर और फिर कानपुर से शुरू हुई थी। बड़ा ही गहरा नाता था बीना राय का लाहौर से। बीना राय को फिल्मों में काम करने के लिए भूख हड़ताल भी करना पड़ा था। इन्होंने अपने पहले ही कार्यक्रम में 25,000 रुपये पुरस्कार के तौर पर जीता था, जो उस समय किसी बड़े अभिनेता के लिए बहुत बड़ी रकम थी। बाद में अभिनेत्री मधुबाला के प्रेमी से शादी और बहुत रहस्य छिपा है इनकी जिंदगी के बारे में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कृष्णा सरीन का जन्म 13 जुलाई 1931 को लाहौर पंजाब पाकिस्तान में हुआ था, जो बाद में बीना राय के नाम से मशहूर हुई। इनके परिवार को सांप्रदायिक तनाव के कारण लाहौर से उजाड़ दिया गया था और पूरा परिवार कानपुर उत्तर प्रदेश में आकर बस गया। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लाहौर और फिर कानपुर में पूरी की। उसके बाद इन्होंने IT कॉलेज लखनऊ में अपना दाखिला करवाया और वहीं पर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। साथ ही अपनी पढ़ाई के दौरान छोटे मोटे स्कूली कार्यक्रमों में अभिनय करती रहती थी। बीना राय साल 1950 में जब IT कॉलेज में कला की प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी तो उन्हें एक कार्यक्रम की प्रतियोगिता का विज्ञापन के बारे में पता चला और बीना राय ने तुरंत आवेदन कर दिया। कुछ दिन बाद उन्हें इस प्रतियोगिता के लिए बुलाया गया तो उस समय बीना राय कॉलेज के ड्रामेटिक्स में सक्रिय थी। फिर भी वो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मुंबई गईं। वहां पर इन्होंने अभिनय कर 25,000 रुपये का पुरस्कार जीता, जो कि उस समय बहुत बड़ी रकम थी। इसके बाद इन्होंने 13 जुलाई 1950 को अपनी पहली फिल्म काली घटा को साइन किया। लेकिन इनके माता पिता भी इस बात के लिए राजी नहीं हुए थे कि बीना राय फिल्मों में अभिनय करें। इस कारण बीना राय भूख हड़ताल करने लगी, जिसके बाद में इनके माता पिता को अनुमति देना ही पड़ा और इनकी ये पहली फिल्म काली घटा 13 जुलाई 1951 को रिलीज हुई। उसी दिन बीना राय और अभिनेता प्रेमनाथ ने सगाई भी कर ली थी। उसी साल इनकी सगाई के पहले ही अभिनेत्री मधुबाला और प्रेमनाथ के प्यार के चर्चे थे, लेकिन धार्मिक मतभेदों के कारण दोनों का ब्रेकअप हो गया। अभिनेत्री बीना राय के दिल में एक अरमान जरूर था जो अभी तक फिल्मों के माध्यम से पूरा नहीं हो सका, और वो था एक सफल अभिनेत्री बनने का। 2 सितंबर 1952 को बीना राय और प्रेमनाथ ने विवाह कर लिया। प्रेमनाथ की बहन कृष्णा की शादी अभिनेता व निर्देशक राज कपूर से हुई थी और उस हिसाब से प्रेमनाथ कपूर खानदान के परिवार का हिस्सा थे। प्रेमनाथ और बीना राय ने एक साथ 1953 में फिल्म औरत में अभिनय किया, लेकिन फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद दोनों ने प्रिजनर ऑफ गोलकुंडा, समंदर, चंगेज खान और वतन जैसी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनकी जोड़ी फिल्मी पर्दे पर सफल नहीं हो सकी। इन्होंने PAN फिल्म्स नाम से एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला और इसी प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत एक फिल्म सगुफा 1953 में रिलीज किया, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन अभिनेता प्रदीप कुमार के साथ बीना राय की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। साल 1953 में प्रदीप कुमार और बीना राय की फिल्म अनारकली रिलीज हुई। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और आज भी इस फिल्म को एक बेहतरीन अभिनय की मिसाल के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद 1960 में घूंघट और 1963 में ताजमहल फिल्म इनके करियर की सबसे चर्चित और सफल फिल्मों में से एक थी। ताजमहल फिल्म मुगल सम्राट शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज पर आधारित थी। इन दोनों फिल्मों में ये अभिनेता प्रदीप कुमार के साथ नजर आई थी। ताजमहल का गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जिसके लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में मात्र 28 फिल्मों में अभिनय किया।
साल 1967 में फिल्म राम राज जाई, जिसमें बी नारायण ने माता सीता का किरदार निभाया, जबकि अभिनेता कुमार सेन राम के किरदार में नजर आए थे। ये फिल्म वाल्मीकि रामायण पर आधारित थी। दिलीप कुमार के साथ इन्होंने इंसानियत फिल्म में अभिनय किया। बिना राय की आखिरी फिल्म अपना घर अपनी कहानी 1968 में रिलीज हुई थी। इसके बाद इन्होंने फिल्मों से दूरी बना लिया। बिना राय के दो बेटे प्रेम कृष्ण और कैलाश थे। साल 1977 में प्रेम कृष्ण की फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए रिलीज हुई। ये बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन इसके बाद प्रेम कृष्ण अपनी लोकप्रियता को कायम नहीं रख पाए और फिर फिल्म अभिनेता से निर्माता बन गए, जिन्होंने कथा सागर, गुल गुलशन गुलफाम और जुनून जैसी टीवी सीरीज का निर्माण किया। बीना राय के पोते का नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा और आकांक्षा है। 3 नवंबर 1993 को बीना राय के पति प्रेमनाथ की मृत्यु हो गई। बीना राय ने एक बार यही भी दावा किया कि अभिनेत्रियों को एक खास उम्र के बाद कोई अच्छा रोल नहीं मिलता। 6 दिसंबर 2009 को दिल का दौरा पड़ने से बीना राय की भी मृत्यु हो गई। बीना राय ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में जो महारत हासिल किया वह और किसी के लिए शायद मुमकिन नहीं था। एक छोटे से शहर कानपुर के रहने वाली बीना राय ने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ लखनऊ का भी नाम रोशन किया। लखनऊ शहर इनको कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, आपको बीना राय की कौन कौन सी फिल्म अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।